नाइन फ्रेंड, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी का ऑफिशियल चैनल। ये एक ऐसा चैनल जिसके साथ आप एजुकेशन के साथ आप इंटरटेनमेंट के भी वीडियो देख सकते हैं। तो स्वागत है आपके इस अनोखे चैनल पे। और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9 का जो है पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने उसमें अभी द स्टोरी ऑफ पालमपुर पूरा किया। फिर हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा केमिस्ट्री का, थोड़ा बहुत ओवरऑल व्यू। फिर इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन भी डाला है, इंट्रोडक्टरी है, जो आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। देखिए, हम जो इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाए थे वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरह से वो कंटेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। उससे अतिरिक्त आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, उसी को पढ़ेंगे, बस हम डीप में पढ़ेंगे। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था इसीलिए मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं ला पाया। अब लगातार मैं लाने का प्रयास करूँगा, और इसी सिलसिले में मैं आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रिसोर्स को जानेंगे, ह्यूमन कैपिटल्स को ना जानेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स क्यों है इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और सेक्टर्स के बारे में हम लोग को जानना है, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन क्या, ह्यूमन जो हमारे पीपल एज ए रिसोर्सेज है उसमें जो है पहला जो हम लोग समझते हैं कि रिसोर्स क्या है। तो देखिए, जीव हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास जितने भी आसपास वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो एक रिसोर्स है, ठीक है। वो एक हमारे लिए रिसोर्स है, क्यों? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। यानी कि अगर हम लोग सिंपल से कि हमारे आस पास जितनी भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करिए, वो एक संसाधन है, ठीक है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, देखिए आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप हिंदी में जैसे कि कॉपी पर संसाधन लिख लीजिए, और उस पर संसाधन को लिखिए स जोड़ साधन। स मतलब होता है संसार, और साधन मतलब, तो साधन को अगर ऐसी करते हैं कि जो हमारे एक सुत्ता को पूरा कर सके वो एक साधन है, ठीक है। तो संसार जोड़ साधन, यानी संसार में जितने भी वस्तु है जो हमारे लिए आवश्यकताओं को जो हमारी पूरा कर सके वो एक संसाधन है, समझ गया। तो देखिए, हर एक वर्ड के पीछे कैसे उसका मीनिंग निकाला गया, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग लेबर ले लिए, लैंड ले लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ चाहिए कि भाई फिक्स कैपिटल ले लिए, लेकिन हमें पास ऐसे एक रिसोर्स चाहिए, किसी के रिसोर्स चाहिए। जो मान लीजिए किसी फैक्ट्री कहीं पुल बन रहा है, सपोज दैट मान के चले, तो लेबर तो आप वहाँ पर मिनरल्स वगैरह डालेंगे, उस जो वहाँ पर जो एरिया कवर होगा वहाँ पे, लैंड तो चाहिए ही चाहिए, तो कंपल्सरी। फिक्स कैपिटल मान लीजिए हम वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट ला दिए, कुछ टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पर आ गया, लेकिन क्या अगर वहाँ पर इंजीनियर नहीं रहे, क्या वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहे, तो क्या वो पुल बन पाएगा? तो ह्यूमन कैपिटल ये क्या है कि स्किल को, नॉलेज को, आइडियाज़ को डेवलप करता है। और ये क्या करता है ह्यूमन कैपिटल ना, कि इस सबको मिला के, ये सबको मिला देता है, और वहाँ से एक नया रिसोर्स की उत्पत्ति करता है। अब पुल क्या, हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है ना, मुझको नदी पार करना था, तो उसमें मेरा हेल्प किया ना कि वहाँ पर जाएंगे कैसे हम जाएंगे, तो एक जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक संस्था है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD संस्था कहा जाता है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बताता है कि जो नॉलेज, स्किल और वगैरह जितने भी हैं, जैसे कि ये हमारे गुणवत्ता को, जो हमारे अंदर जितने भी नैतिकता हैं, जितने भी कल्पना जो हम लोग कर सकते हैं, वो स्किल है, जो जो भी है, उस सबको मिला के एक नया गुड्स का निर्माण करता है, एक नया सर्विस को निर्माण करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर क्यों ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, मानव संसाधन क्यों है। भाई मानव के अलावा भी और भी तो संसाधन हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन मानव संसाधन क्यों है ये जानना, मानव और भी तो कुछ हो सकता है, तो संसाधन ही क्यों है। तो देखिए, ह्यूमन के पास जो एबिलिटी होता है, ह्यूमन के पास एक एबिलिटी होता है जो अपने वो एबिलिटी से और भी रिसोर्स बना सकता है। जैसे कि सब कुछ दैट हम लोग ने प्रकृति से इस्पात को लिया, नेचर से हम लोग इस्पात को लिए,
और क्या किया, उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या वो एक नया रिसोर्स बन गया? वो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करके बना। नदी बह रही है और वहाँ पर डैम लगा दिए, तो डैम लिए तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल गया, और डैम जो होगा आप मतलब अगर कहीं बाढ़ आ रहा है तो उसको आने भी रोकेगा, बहुत फैसिलिटी डैम देता है। तो क्या किया, एक हुमेन जो है वो जो नेचर जो गिफ्ट दिया था उसको एक रिसोर्स में, एक एक उसको वो बोला जाए तो आवश्यकताओं में उसको परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स। आखिर ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए है, मानव संसाधन इसीलिए है क्योंकि उस संसाधन से संसाधन बनाता है, और कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो संसाधन से संसाधन बनाए, सिर्फ ह्यूमन ही जो है जो संसाधन से संसाधन बना सकता है। फिर हम लोग बात बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी बाई मैन एंड वोमेन। तो हम लोग को जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी मैन बाई वोमेन जो हम लोग को देखना था, इसमें हम लोग करीब कुछ, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेक्टर को पढ़ना था कि इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस सेक्टर्स को आपको पढ़ना है। सेक्टर्स किस में हम जो पिछले दो वीडियो बनाए हैं, जो इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का और इस चैप्टर का भी जो इंट्रोडक्शन था, इस दोनों में आपको सेक्टर के बारे में मैंने बताया है और फिर बताऊंगा। फिर उसके बाद मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना है, और फिर है वर्क बाय मैन एंड वोमेन। तो इसको मैं इसमें कुछ पॉइंट ज़्यादा हम लोग बना नहीं सकते हैं, उसको मैं आपको जनरली बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी जो सेक्टर होता है ना उसको प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी समझ लिया, प्राइमरी जैसे आप सुने होंगे प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी क्या, वो बेसिक से बात हो रहा है ना, एकदम छोटा सा एकदम निचला स्तर, तो ये निचला स्तर है प्रारंभिक, ठीक है। तो इस सेक्टर में क्या होता है ना कि जितने नेचर जो होते हैं ना, तो नेचर से हम लोग रिसोर्स को लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं डायरेक्ट यूज, जैसे कि हम लोग गाय से दूध ले लिए, ठीक है। फिर फिशिंग हो गया, ऑयल हो गया, गैस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जितने भी वो प्रोडक्ट है, जितने भी उससे, जैसे कि फिश है तो फिश का हम ऑयल निकाल दिए, जैसे कि दूध है तो दूध का हम पनीर बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग कर दिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, इसको बेसिक सेक्टर भी कहते हैं या नेचुरल सेक्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है ट्रिटी सेक्टर, ट्रस्टी सेक्टर। तो ट्रस्टी सेक्टर में आपको क्या जानना रहता है ना कि ये जो सेक्टर होता है ये सेवा से ये सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाए तो सेवा क्षेत्रक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली लोग इसमें सेवा देते हैं, जैसे कि आप कहीं ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ले लिए, आपके जो आप फ़ोन पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो जो इंटरनेट जो आ रहा है वो एक सेवा है ना, उसके बदले तो आपने कुछ लिया नहीं है, बस सेवा लिया है। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या वो आपको कुछ दे रहा है? नहीं, सेवा दे रहा है। डॉक्टर के पास गए तो क्या डॉक्टर आपको कुछ देगा? नहीं देगा, आपको सलाह देगा, सेवा देगा, ठीक है। और देखिए मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और वही पॉइंट है, इस पर मैंने मॉडिफाई नहीं किया। तो देखिए मार्केट सेक्टर में, जैसे मार्केट एक्टिविटी में है, आपको ये समझ लेना है कि जितने भी लेन देन से चीज़ होंगे, जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका मतलब होता है लेन देन करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, सेल करेंगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, या जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस हो गया, या कोई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर, जैसे कि नमक का, तो नमक का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ देखिए यहाँ पर यह जो हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। देखो हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो खुद अपने यूज के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में मान लीजिए खाना बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं, और एक जाइएगा होटल में तो होटल का पेटी क्या होता है कि वो उसको बेचना रहता है, ठीक है।
इसका मेन पर्पस होता है कि अपने एथिकली इसमें प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, ठीक है। जैसे कि घर पर हम लोग खाना बनाते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर से भी कुछ आपको एग्जांपल इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो वर्क बाई मैन एंड वुमेन, तो मैन की अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर पहले क्या क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं तो औरत को क्या करते थे कि घर का बोलते थे काम करो, और जो जेंट्स लोग होते हैं, जो मैन होते हैं, वो जाकर बाहर फील्ड में काम करते थे। अभी थोड़ा बहुत, अभी हम लोग जैसे सिटीज़ की बात करते हैं तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, और मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में इसको अच्छे से डिफाइन कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको एक और बात बताना था कि अगर आपको जो PDF अगर डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है डायमंड एकेडमी, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने वो चैनल बना दिया है और टेलीग्राम पे, और उसके लिए हम लोग जितने भी PDF है हम लोग वहाँ पर अपलोड करेंगे। और हाँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन भी पूछना हो तो वहाँ से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, या इसमें भी कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।